Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm discussing on the topics of cell theory. Okay, as you can see in the slide, cell is the basic fundamental unit of life, and you all know M. Priyanka Verma. And this cell theory had given by the three scientists Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow. And Matthias Schleiden, as you can see in the first image, all plants are made up of cells, because ये botanist था. And Theodor Schwann जो है ये एक zoologist था. तीनों ही scientists जो है वो जर्मन से belong करते थे. ये एक जूलॉजिस्ट था, तो उसने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एज यू कैन सी इन द इमेज. एंड थर्ड इमेज जो है वो है रुडोल्फ विर्को की है, जिसने सेल थ्योरी को एक्सटेंशन दी अपनी, जो भी उसने फाइंड आउट किया था एक्सपेरिमेंट में, कि इसने बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और इस तरह से सम अप करके जो है कंप्लीट एक सेल थ्योरी जो है हमें मिली थी. इन तीनों साइंटिस्ट का ही मेन कंट्रीब्यूशंस है. ठीक है, और हम आगे इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये एम जी स्लाइडन, दैट इज़ द मैथाइस जो कार्ल स्लाइडन है, 1838 में वर्क किया था इन्होंने. बॉटनिस्ट थे ये, इसलिए इन्होंने बताया कि जो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि जो भी जितनी भी प्लांट बॉडी है वो मेड अप ऑफ ए लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई है. और थियोडोर स्वान ने भी ये जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने भी सेम बात कही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. और इस तरह से जो है 1839 में दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है प्रपोज्ड की सेल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज द ऑफकोर्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद में जो थर्ड इमेज आपने पीछे की स्लाइड में देखी थी रुडोल्फ विर्को, 1858 में, ये भी जर्मन से ही थे, तो ये पैथोलॉजिस्ट थे. उन्होंने प्रपोज की जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो फाइंड आउट किया था सेल थ्योरी के, और उन्होंने सेल थ्योरी में जो है वो अपने पॉइंट्स ऐड किए कि ऑल लिविंग सेल जो है वो अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन. ठीक है, और उन्होंने एक टर्म दी थी, एक वर्ड दिया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला. ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स हैं, से फिर हमने जो है वो वर्ड बोलते हैं सेल. सेलुला मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट. ठीक है, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑबे दिस थ्योरी एक्सेप्ट वायरस, क्योंकि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर आप सेल की स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ यूकेरियोट्स में. बट इन केस ऑफ वायरस एक नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और सेलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूकेरियोट्स की तरह इसमें सेलर ऑर्गेनिज्म्स नहीं होते, और दैट्स वाई जो है ये इस थ्योरी को भी नहीं करता. ठीक है, और इस स्लाइड में हम इसके जो तीनों साइंटिस्ट ने जो मेन अपनी सेल थ्योरी में जो बात कही है उसके मेन पॉइंट्स भी हम हाईलाइट करते हैं. इसके मैंने 7 पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करके आपको स्लाइड में दिखाया है, प्लीज़ आप केयरफुली जो है ध्यान से सुने. ऑल सेलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स में क्या पढ़ा था कि सेल्स जो है दो मेजर सब डिविजन में डिवाइड करती है, हमारी प्रीवियस वीडियो में, कि सिंगल सेल्स से जो इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोट्स, और मोर देन टू सेल दैट इज़ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, और इन केस ऑफ यूकेरियोट्स हमने देखा था. ठीक है, सो ये यहाँ पे इन्होंने ये सेल थ्योरी में ये बात कही है कि ऑल सेलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल की क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है. हमने आगे किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में सेल का साइज
डिफर करता है देन नॉर्मल सेल, जैसे कि आरबीसी की है हमारी सेल, बोन सेल्स है, ठीक है, उनमें उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होती है, दैट्स वाई जो है वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन. रुडोल्फ वर्को ने यही कहा था, साइंटिस्ट थर्ड साइंटिस्ट ने जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था, कि नेचर में ऑलरेडी कुछ सेल प्रेजेंट थी तभी उनसे ही इवोल्व हुई है नई सेल, यानी कि एक सेल डिवाइड करके मल्टी नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट होगी और इस तरह से जो है सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से जो एक कंप्लीट बॉडी जो है वो डेवलप हुई है. ये जो है साइंटिस्ट ने थर्ड साइंटिस्ट ने बताया था और सेल थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया था. और जो हाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमें पता लग गया कि वो सभी जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. तो सेल में क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल के साथ किसी ना किसी जंक्शन से अटैचमेंट होती है. जैसे कि प्लांट में हमने पढ़ा है कि सेल्स के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन सेल्स टू दी अनदर सेल. एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट सेल्स कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, दैट इज द डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पास आउट होता है. ये हमें पता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक जो है सेल में दिखाया था सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, जिसके साथ क्या होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक सेल से दूसरे सेल में पास होती है, ठीक है. और ऑल सेल्स बेसिकली हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम रहती है. लिपिड प्रोटीन्स का जो कंटेंट है वो वेरी करता है सेल टू सेल में, बाकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.